हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फॉर इंटरव्यू। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो जावा प्रोजेक्ट सीरीज होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम काफी कुछ कर चुके हैं। सीधा रिसेप्शन पे आया हूँ मैं। ठीक है, हम यहाँ पे न्यू कस्टमर फॉर्म बना चुके हैं, रूम देख चुके हैं, डिपार्टमेंट रहता है। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज इन्फो देख चुके हैं, कस्टमर इन्फो देख चुके हैं, मैनेजर इन्फो देख चुके हैं, चेकआउट रहता है, अपडेट चेक स्टेटस देते हैं, देख चुके हैं, चेक स्टेटस देख चुके हैं। ये शायद यहाँ पे अभी हुआ हुआ नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसको अपडेट करते हैं। अपडेट चेक स्टेटस के लिए यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने न्यू और यहाँ पे लिखा अपडेट चेक, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे लिखा मैंने सेट विजिबल ट्रू। ये शायद लास्ट वीडियो में ये करना भूल गए थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट सेट विजिबल ट्रू फॉल्स। ठीक है, या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, चला के देखते हैं। तो ये करने के बाद हमारे पास सिर्फ तीन या चार क्लासेस रहती हैं। ठीक है, जिन पे हमें आगे काम करना है। तो अपडेट चेक स्टेटस या चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, फिर पिकअप स्टेटस, पिकअप सर्विस हमने नहीं किया अब तक, सर्च रूम नहीं किया, लॉगआउट नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले चेकआउट पे काम करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चेकआउट क्लास बनाई, एक न्यू पे क्लिक किया, वो जावा क्लास में गए। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेकआउट के नाम से यहाँ पे मैंने क्लास बनाई। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, चेकआउट के नाम से यहाँ पे क्लास बनाई जो एक्सटेंड करेगी विच एक्सटेंड्स जे फ्रेम। ठीक है, जो जे फ्रेम जो हमारी क्लास होती है वो होती है हमारी जावा एक्स पैकेज के अंदर, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार किया है यहाँ पे, इम्पोर्ट की स्पेलिंग गलत है, IMPORT, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो एक्सटेंड जे फ्रेम करने के बाद हमें यहाँ पर फ्रेम बनाना है। ठीक है, आप फ्रेम में अगर देख रहे होंगे तो मेरे पास वहाँ पर सिर्फ तीन, मेरे पास वहाँ पर जे लेबल्स हैं। ठीक है, फिर मेरे पास एक चॉइस है जिसमें सभी मेरे पास नंबर्स हैं उस बंदे के। ठीक है, जो बंदा, जो गेस्ट हैं उनके सभी नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स मेरा मतलब है उनकी आईडी के नंबर, और फिर मेरे पास यहाँ पे रूम नंबर मेरे को फेच करने हैं, दो बटन से, एक मेरे पास यहाँ पे लेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले लेबल्स बनाते हैं। लेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चेकआउट बनाया। ठीक है, एक चेकआउट के नाम से मैंने यहाँ पर ये बनाया। ठीक है, सबसे पहले फ्रेम बनाते हैं, तो यहाँ पे सेट लेआउट इसको किया मैंने यहाँ पे नल। ठीक है, सेट बाउंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारा फ्रेम है वो लेंथ में तो काफ़ी ज़्यादा है, आप देखो, अगर देख रहे होंगे तो लेंथ में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ब्रेथ में उतना नहीं है। ठीक है, उसकी जो विद है वो उतनी नहीं है। ठीक है, तो इसको करेंगे सबसे पहले 500 200, जैसे कि हम अब तक सभी उसमें देते आए हैं। ठीक है, तो इसको देते हैं 800 एंड 300। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे मैंने किया सेट विजिबल, इसको करते हैं ट्रू। ठीक है, एक मेन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रिंग या ARGS। जो अब तक हम पीछे करते आए ना, इसमें सब कुछ वही होगा, कुछ और कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत है, एक सेकंड देखता हूँ उसको। यहाँ पे हमने किया सेट विजिबल और इसको किया ट्रू। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग गलत है या। और यहाँ पे लेबल्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहला लेबल बनाया था जे लेबल के नाम से, जे लेबल L1 के नाम से। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। ठीक है, और ये जो हमारा लेबल होगा वो होगा हमारा चेकआउट के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेकआउट के नाम से मैंने यहाँ पे एक लेबल बनाया। ठीक है, आउट या परफेक्ट, बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको सेट बाउंड करना है, तो L1 डॉट सेट बाउंड किया मैंने यहाँ पर इसको। ये क्यों एरर है इसमें, यहाँ पे शायद ये L आएगा, या मैंने 1 1 लिख दिया था वहाँ पे। ठीक है, तो इसको कितना दे, इसको देते हैं 30 और 20 और 130। ठीक है, ऐड किया मैंने यहाँ पे L1 को, ये यहाँ पे आ गया स्मॉल डी। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मेरे पास फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा लेबल है उसको उठाते हैं, एक सेकंड इसी को कॉपी मार लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये और ये, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। दो लेबल चाहिए मेरे को यहाँ पे L2 के नाम से, ये L2 के नाम से, यहाँ पे L2 आएगा एंड यहाँ पे, अरे यहाँ पे L2 आएगा एंड नीचे L3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगी कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी, और यहाँ पर अपने पास आएगा रूम नंबर। ठीक है, बंदा कोई किस रूम नंबर में है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये कितनी नीचे है, इसको नीचे रखते हैं अभी, कितनी नीचे हो जाएगा ये होएगा 30 और 50, इसको करते हैं 80। ठीक है, 80, और इसको करते हैं 130, चला के देखते हैं। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे L1 डॉट सेट फॉन्ट किया, और यहाँ पे इसको न्यू फॉन्ट करके दिया तो होमा। ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया फॉन्ट डॉट प्लेन। ठीक है, और इसको कर दिया हमने कितना 18। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा के इसको किया 50। ठीक है,
फोन क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्योंकि ये AWT पैकेज के अंदर होती है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कराया मैंने, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। ठीक है चलाते हैं। या ठीक है, इसको अब अभी बाद में देखते हैं। ठीक है इसका एक इसको थोड़ा सा एक सेकंड बड़ा कर करता हूँ, थोड़ा 18 थोड़ा छोटा हुआ है। ठीक है और L1 डॉट सेट फोरग्राउंड इसको करते हैं कलर डॉट ब्लू। ठीक है या परफेक्ट बिल्कुल ठीक है। अब आप अगर देख लेंगे तो मेरे पास यहाँ पर एक चॉइस है और एक टेक्स्ट फील्ड है, तो मैंने यहाँ पर एक चॉइस बनाई C1 के नाम से, CHYCE एंड यहाँ पे आगे C1 के नाम से एक चॉइस है। ठीक है तो मेरे पास वहाँ पर एक जे टेक्स्ट फील्ड है, जे टेक्स्ट फील्ड है T1 के नाम से। ठीक है उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे दो बटन हैं। ठीक है तो मैंने यहाँ पे जे बटन बनाया B1 एंड B2 के नाम से। या परफेक्ट ठीक है। फिर मेरे पास वहाँ पर और क्या क्या है, सबसे पहले कस्टमर आईडी में मेरे पास वहाँ पर एक चॉइस है, तो मैंने यहाँ पर सी वन इक्वल्स टू जो हम पिछली दो क्लासेस में कर रहे हैं मैं यहाँ पर सिर्फ वही करूँगा। ठीक है मैंने यहाँ पर ट्राई बनाया क्योंकि अब मेरे को डेटाबेस में से डेटा फेच करना है, जो आईडीज आएंगी वो सारी कस्टमर डेटा में से आएंगी। ठीक है मतलब कस्टमर टेबल में से आएंगी डेटा बोल रहा हूँ। ठीक है तो मैंने यहाँ पे कॉन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कॉन के नाम से। ठीक है बाद फिर रिजल्ट सेट टारेस, रिजल्ट सेट में अभी एरर आएगा क्योंकि ये उसके अंदर होती है सीक्वल पैकेज के अंदर। ठीक है रिजल्ट सेट टारेस इक्वल सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है उसके अंदर मेरे को क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY। ठीक है अरे एम्प्लॉय नहीं कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है अब जो RS में जो या बिल्कुल परफेक्ट है। अब RS में जो मेरे पास डेटा आया है ठीक है वाइल RS डॉट नेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब RS में जो मेरे पास यहाँ पे डेटा आया है ठीक है उसमें से मेरे को सिर्फ आईडी निकालनी है जो कि होगी कस्टमर आईडी और मेरे को उसको करा देना है चॉइस में एड। ठीक है RS डॉट गेट स्ट्रिंग फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया और मैंने यहाँ से निकाला नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। एक्सेप्शन का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बनाया तो यहाँ इसकी एरर है, रिजल्ट सेट में इसलिए एरर है क्योंकि मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार नहीं किया डॉट स्टार। या बिल्कुल परफेक्ट गया एरर चला जाए एरर हाँ गया। चलो अरे अभी इसको एक सेकेंड के लिए ऐड करता हूँ फिर आपको। हाँ हाँ ठीक है इसको अभी सेट बाउंस नहीं किया मैंने इसलिए वहाँ पे एरर दे रहा है वो। ठीक है तो वो इसको पे किया मैंने 200 पे। ठीक है 200 एंड ये कहाँ पर है 80 पर है एंड 120 एंड 25 एंड 25 एंड 30 या ठीक है ऐड करेंगे C1 को। टेक्स्ट फील्ड भी साथ साथ ऐड कर देता हूँ। ठीक है तो T1 इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है क्योंकि बार बार रन करने से यार बहुत टाइम खराब होता है। ठीक है और फिर ये होगी 200 से एंड 130 एंड 150 एंड 30 ऐड करेंगे T1 को। ठीक है चलाते हैं। परफेक्ट ठीक है यहाँ पर मेरे पास दोनों वो लेबल्स आ चुके हैं। ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसको थोड़ा पास लाना है, ये ज़्यादा दूर चला गया। इसको 150 करते हैं। ठीक है क्योंकि अगर आप ओरिजिनल फ्रेम देखोगे तो उसमें इतना दूर नहीं है। ठीक है तो इसको 150 किया मैंने, उसमें काफ़ी पास पास है क्योंकि मेरे को वहाँ पे इमेज के लिए भी जगह चाहिए। हाँ ठीक है बस चेकआउट चेकआउट जो मेरा लेबल है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, तो चेकआउट लेबल को मैंने यहाँ पे किया 100। चलाते हैं। परफेक्ट ठीक है मेरे को अब नीचे दो बटन लगाने हैं, तो बटन लगाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के नीचे मैंने B1 इक्वल्स टू न्यू जे बटन किया और यहाँ पे बटन है मेरा किसके नाम से अपडेट अब चेकआउट के नाम से। सपोज मेरा बटन है कि बंदा चेकआउट कर रहा है। ठीक है B1 डॉट सेट बैकग्राउंड GROUND। ठीक है और यहाँ पे आगे कलर डॉट ब्लैक। ठीक है और B1 डॉट सेट फोरग्राउंड एक सेकेंड या ठीक है यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कलर डॉट वाइट वाइट या फिर B1 डॉट सेट बाउंस करेंगे। ठीक है B1 डॉट सेट बाउंस। ठीक है अब ये 30 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है 30 से स्टार्ट होगा 130 ये जा रहा है। ठीक है तो इसको 180 रखते हैं। ठीक है 180 तक ये जाएगा एंड ये खुद जाएगा कहाँ तक 120 तक रखते हैं, ये 120 तक जा रहे हैं 30 या एड किया मैंने B1 को। ठीक है इसको कॉपी किया B2 बटन के लिए। ठीक है नीचे आए यहाँ पे इसको पेस्ट किया और यहाँ पे आ गए
B2 ठीक है। अब 120 एंड 150 तक तो यही जा रहा है, तो उसको 170 से शुरू करते हैं, चलाते हैं। आई होप सही आना चाहिए। सही आया बिल्कुल, बस इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं 200, चलाते हैं। या परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक इसको सबसे पहले तो इसको कलर को चेंज करते हैं। गेट कंटेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड और कलर डॉट वाइट। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे तो मेरे पास वहाँ पे चेकबॉक्स के सामने एक इमेज भी है। ठीक है, वो इमेज क्या कर रही है मैं आपको बता देता हूँ, चलाता हूँ इसको, फिर आपको बताता हूँ कि इमेज क्या कर रही है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक टिक के नाम से एक इमेज है हरे कलर की। ठीक है, ग्रीन कलर की यहाँ पे इमेज है, वो क्या कर रही है, जब भी मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो उस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रूम नंबर अपडेट होगा, फिर वो बंदा वहाँ से चेकआउट होगा। ठीक है, तो ये इमेज उठाते हैं, तो मैंने उठाई इमेज उठाई मैंने। ठीक है, इमेज आइकन आई वन इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और ये आएगी मेरी क्लास लोडर LOADER.GetSystem रिसोर्स, और यहाँ पे आ जाएगा होटल MANAGE मैनेजमेंट एंड सिस्टम एंड आइकन्स के नाम से, और जो मेरी इमेज है वो है टिक डॉट JPG PNG। ठीक है, टिक डॉट PNG के नाम से मेरी यहाँ पर इमेज है, इसको इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो इमेज आइकन और यहाँ पे इमेज क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू i1.getImage, मतलब इसके डायमेंशन मेरे को चेंज करनी पड़ेगी कि i1.getImage.getScaledInstance। ठीक है, कितनी देते हैं, 20 देते हैं। ठीक है, शायद मेरे को 15 करनी पड़ेगी, आई डोंट नो, देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे Image.ScaleDefault। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, और फिर इमेज आइकन i3 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाला i2 फिर। ठीक है, फिर एक अब इसको बटन में डालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसको क्लिकेबल बनाना है, तो मेरे को एक्सपेक्शन लिस्टनर लगाना पड़ेगा, तो इस बार मैं इसको लेबल में नहीं डाल रहा, इस बार मैं इसको डाल रहा हूँ बटन में। ठीक है, जे बटन इज इक्वल्स टू, इस बटन को मेरे को ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे को नीचे भी चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू जे बटन, और यहाँ पे मैंने डाल दिया i3। ठीक है, फिर मैंने किया यहाँ पे b3 डॉट सेट बाउंस। ठीक है, अब जो मेरा चॉइस है मेरी, ठीक है, वो कहाँ खत्म वो हो रही है ये देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, चॉइस मेरी खत्म हो रही है 300 पे, 150 और 150 ये जा रही है 300 पे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं 310 से। ठीक है, एंड चॉइस मेरी कहाँ पे 80 पर है। ठीक है, तो इसको 80 किया मैंने यहाँ पे, इसको 20 दिया एंड 20 दिया, या एंड फिर ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे B3 को। ऊपर B3 को डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे B3 को मैंने डिक्लेयर किया, या चलाते हैं। ठीक आनी चाहिए, कोई SQL एक्सेप्शन आई है। ठीक है, वो भी देखेंगे क्या है। ठीक है, तो MySQL की एरर जो थी मेरी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, उसमें यार काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके मेरे को पहले उसको सॉल्व करना पड़ा, वो सॉल्व कैसे हुई। ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया तो वो सॉल्व नहीं हो रही थी, फिर मैंने MySQL को रिपेयर किया। MySQL के इंस्टॉलर खोलोगे ना, वहाँ पे एक रिपेयर का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे जाके उसको रिपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने वहाँ पे जाके उसको रिपेयर किया और वो वहाँ से ठीक हो गई। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो MySQL अगर मैं अपना खोलता हूँ, तो MySQL का जो मेरा इंस्टॉलर है, अगर सर्च होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, या ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वो ऑप्शन आता है। ठीक है, क्योंकि MySQL में ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका दो तीन सॉल्यूशंस थे इसके। एक सॉल्यूशन ये भी था इसका कि आप कनेक्शन क्लोज कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक सॉल्यूशन इसका ये, आप नेक्स्ट पे गए और यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और जो एरर थी वो अपने आप ही फिक्स कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं एरर को इन द मोस्ट रिसेंट इंस्टॉलेशन बाय फिक्सिंग मिसिंग सेंड करप्ट फाइल। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ये किया और फिर उसको रीस्टार्ट कर दिया, तो या हो गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक थे हम। ठीक है, यहाँ पहुँच गए थे, यहाँ पे इस इमेज को मेरे को थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक है, तो इमेज थोड़ी सी ऊपर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने किया 10 से। ठीक है, वापस चलाते हैं, तो लगभग ये सारा अपना हो चुका है, बस इसका जो एक्शन लिस्टनर वाला काम है बस वो रहता है। ठीक है, तो वो निपटाते हैं फटाफट, फिर इस क्लास को क्लोज करते हैं। इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, अब भी इमेज कट रही है। ठीक है, थोड़ा सा ज़ीरो किया, या बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब मेरे को क्या 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 करना है कि जब भी मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ,
तो इसके कोरस्पोंडिंग जो डेटा है वो उसका रूम नंबर फेच होके यहाँ पे अपने आप फिल होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे तीन बटन से, उन तीनों बटन में मेरे को काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा इंप्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर। ठीक है, इंप्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पे मैंने किया इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू डी डॉट इवेंट डॉट स्टार। ठीक है, और फिर तीनों बटन पे एक्शन लिस्टनर लगाएंगे, इस बार मेरे को याद है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगाया एड एक्शन लिस्टनर और इसके अंदर मैंने दिया दिस। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लगाया मैंने बी टू, बी टू पे एक्शन लिस्टनर लगाया। उसके बाद फिर मेरे को इमेज पे भी यहाँ पर एक्शन लिस्टनर लगाना है, ये है बी थ्री। ठीक है, मैं यहाँ पर बी थ्री पर एक्शन लिस्टनर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं उस मेथड को बनाएंगे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्शन इवेंट क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया ए के नाम से। ठीक है, और फिर इफ अगर ए डॉट गेट सोर्स जो है मेरा वो किसके इक्वल है, बी वन के इक्वल है। ठीक है, कॉपी किया, अगर एल्स अगर वो बी टू के इक्वल है, एल्स अगर वो बी थ्री के इक्वल है, तो यहाँ पे बी टू को रिप्लेस करेंगे बी और बी टू से, और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसको बी थ्री से। ठीक है, बी टू में तो सिंपल मेरे को न्यू रिसेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, और न्यू रिसेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेरे को इसको सिंपल सेट विजिबल टू कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कर देना है दिस डॉट, अरे भाई दिस डॉट सेट विजिबल, और इसको कर देना मेरे को फॉल्स। ठीक है, फिर अगर ये चीज है तो यहाँ पे मेरे को गेट करना है। ठीक है, गेट करना है मेरे को स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे मैंने लिया स्ट्रिंग आई डी इज इक्वल्स टू सी वन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, जो भी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है मेरे को उसको गेट करना है। ठीक है, और इसको गेट करने के बाद मेरे को यहाँ पे क्वेरी चलानी है, तो मैंने सीधा इसको लिया रिजल्ट सेट आर एस इक्वल्स टू सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। यहाँ पे मैंने सीधा एग्जीक्यूट क्वेरी की, और यहाँ पे उसके बाद फिर करेंगे जो क्वेरी चलानी है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जहाँ पर जो ये मैच होगा यहाँ पर। ठीक है, आईडी मैच होगी, तो आईडी देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जहाँ पे नंबर मैच होगा। ठीक है, वेयर नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, और यहाँ पे ये किया, और इसके अंदर लिखा हमने आईडी। ठीक है, जहाँ पे मैच होगा वहां से उठाएंगे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे वाइल लगाना है, वाइल आर एस डॉट, यार सो बाहर से बहुत शोर आ रहा है यार। हाँ गद्दू है, लोकी है। ठीक है, ठीक है, इफ यहाँ पे कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, कौन सी इज इक्वल्स टू न्यू कौन। ठीक है, और फिर यहाँ पे ट्राई कैच आएगा। हाँ उसने दे दिया, अरे पता था मेरे को, यहाँ पे ट्राई कैच आएगा, और ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाला एक्सेप्शन। ठीक है, और फिर आर एस डॉट नेक्स्ट आया यहाँ पे, या आर एस डॉट नेक्स्ट आया। ठीक है, और फिर मेरे को वहाँ पे सेट करना है, तो टी वन डॉट सेट टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मेरे को कौन सी स्ट्रिंग निकालनी है, जो नंबर नंबर वाली है। ठीक है, इसमें से निकाल, इसमें से इसको हटा देते हैं, और ये एम्प्लॉय टेबल नहीं, कस्टमर टेबल है। ठीक है, क्या क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर, ठीक है, वेयर नंबर, ठीक है, वेयर नंबर इज इक्वल्स टू जो नंबर मैच होता है। ठीक है, और यहाँ पे आईडी, इस आईडी से जो नंबर मैच होगा वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से पूरी रो उठाएगा। ठीक है, और यहाँ से मेरे को सिर्फ उसका नंबर नहीं उठाना, उसका रूम 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 उठाना है। ठीक है, तो वो रूम के नाम से, या परफेक्ट, चलाते हैं। ठीक है, आई होप चलना चाहिए। इस पे क्लिक किया तो या रूम रूम नंबर आया मेरे पास। दोनों बटन चेकआउट कैसे हो सकते हैं, एक एक बैक बटन है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर एक बैक बटन है। ठीक है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को यहाँ पे बी वन बटन पे काम 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 करना है। ठीक है, अगर बंदा चेकआउट मार रहा है, ठीक है, तो अगर बंदा चेकआउट मार रहा है तो सबसे पहले तो उसकी आईडी फेच करते हैं, कि वो कौन किस आईडी, कौन कौन सी आईडी थी उसकी। तो यहाँ पे गेट सेलेक्ट आइटम मैंने लिखा। ठीक है, फिर उसका रूम नंबर फेच करते हैं, सेलेक्ट बोल रहा हूँ, फेच करते हैं इक्वल्स टू टी वन डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने टी वन डॉट गेट टेक्स्ट लिखा। उसके बाद फिर दो मेरे को यहाँ पे क्वेरी चलानी पड़ेंगी, पहली क्वेरी जो होगी वो
कस्टमर टेबल में से बंदे को डिलीट करेगी, तो मैंने यहाँ पर डिलीट को चलाई, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे ये लगाया, और लास्ट में ये लगाया, और यहाँ पे दी मैंने आईडी, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। एक और वेरी चलानी है, वो होगी रूम, रूम के लिए, ठीक है, रूम के लिए ये होगी कि मेरे को वहाँ से उसको अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट करना है मेरे को रूम को, ठीक है, अपडेट रूम सेट करना है मेरे को अवेलेबिलिटी को, मेरे को एक सेकंड चेक करना है कि अवेलेबिलिटी के नाम से है ना, सिलेक्ट स्टार फॉर्म, और यहाँ पे मैंने दिया रूम, अवेलेबल के नाम से है, ठीक है, ए वी ए आई एल ए वी ए आई एल ए बी एल ई, या सेट अवेलेबल इज इक्वल्स टू, ठीक है, सेट अवेलेबल इज इक्वल्स टू अवेलेबल, क्योंकि जो रूम है वो ऑक्यूपाइड है, अब बंदा जा चुका है, तो मेरे को रूम को वापस अवेलेबल करना है, ठीक है, वेयर, अब जहां पे जो रूम है वो इसके इक्वल है, वेयर रूम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, लास्ट में ये लगाया, और यहाँ पे दिया मैंने रूम, या परफेक्ट, ठीक है, दोनों क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दोनों एग्जीक्यूट अपडेट होंगी, तो यहाँ पे फोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू फोन, ठीक है, और ट्रैक के अंदर यहाँ पे लगाया कैच, यहाँ पे लगाया एक्सेप्शन ई, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे आर एस डॉट एस डॉट एक्सिक्यू, अरे ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे सी डॉट एस डॉट, अरे सी डॉट सी नहीं, सी डॉट एस एग्जीक्यूट अपडेट, हाँ ठीक है, एस टी आर वाली क्वेरी आ गई, ठीक है, और फिर सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट अपडेट किया, और यहाँ पे लिखा मैंने एस टी आर वन, ठीक है, फिर एक जे ऑप्शन पेन थ्रो करेंगे एस टी आर टू के नाम से, सॉरी, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने जे ऑप्शन पेन थ्रो किया, जे ऑप्शन पेन, अरे भाई अरे अरे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे नल किया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, चेकआउट डन, ठीक है, फिर यहाँ पे रिसेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रिसेप्शन क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, क्योंकि अब इसको वापस लेकर जाना है, तो रिसेप्शन डॉट सेट विजिबल, अरे भाई डॉट सेट विजिबल, उसको कर दिया, कर देंगे ट्रू, और यहाँ पे कर देंगे दिस डॉट सेट विजिबल और ई, और इसको कर देंगे यहाँ पे फॉल्स, हाँ ठीक है, या कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो बंदे को चेकआउट कराते हैं, ये वाला बंदा है, ठीक है, सबसे पहले इसको क्लिक किया, कौन से रूम नंबर में है, 102 में है, ठीक है, या चेकआउट डन, ठीक है, ये खुल गया, तो अभी वहाँ पे रूम के आगे अब अवेलेबल लिखा आ गया होगा 102 के आगे, या रूम के आगे अवेलेबल लिखा आ चुका है, क्योंकि जो बंदा है वो जा चुका है चेकआउट करके, तो रूम अब अवेलेबल है, ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कस्टमर इन्फो में, तो यहाँ पे वैसे अब मेरे पास एक ही डेटा होगा, जो शाहरुख खान था वो जा चुका है, ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, इसको वहाँ पर भी जोड़ देते हैं साथ साथ, ठीक है, चेकआउट में, तो यहाँ पे रिसेप्शन में जाएंगे, रिसेप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे चेकआउट वाला मेरा कौन सा बटन है, चेकआउट वाला बटन है मेरा 7th, ठीक है, तो यहाँ पर आए, या यहाँ पर मैंने क्लास का नाम दिया चेकआउट के नाम से, और डॉट सेट विजिबल, इसको किया ट्रू, ठीक है, और दिस डॉट सेट विजिबल, और इसको कर दिया मैंने यहाँ पे फॉल्स, तो ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो या तो इस वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, दो या तीन वीडियो और लगेंगी बस, ठीक है, फिर ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, सो थैंक यू सो मच, बाय।